बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। आज मैं आपको पढ़ाऊंगी आदि अशकाल फ से लेके ग तक। तो चले चलते हैं हम अपने आज के सबक की तरफ। सबसे पहले है फ। ये फ की पूरी शक्ल है। जब हम इसको आधा करेंगे, आधा किया तो ये इतनी रह जाएगी। अब चलें इसको लिखते हैं। आप यहाँ से ऊपर जाएंगे, गोल घुमाएं, नीचे आएं, जैसे व लिखते हैं ना, व वर्ग, इसको आप ऐसे लिखेंगे और ऊपर आ जाएगा एक नुक्ता, इसके अंदर हल्का सा रंग कर दें। ऐसे गोल घुमाएं, नीचे आएं, इसको थोड़ा सा भर दें और ऊपर आ जाएगा एक नुक्ता। फिर ऐसे लिखें, गोल घुमाएं, नीचे आएं और ऊपर एक नुक्ता। फिर गोल घुमाएं, नीचे आएं, व की तरह लिखें। ओह, इसमें तो रंग ही नहीं किया, इसको थोड़ा सा भरा नहीं है, ये हमसे नाराज़ हो गया। तो हमने इसको नाराज़ नहीं करना। अच्छा, हम दोबारा से सही लिखते हैं। ऐसे घुमाया, ऐसे किया, नीचे आए और फिर एक नुक्ता, इसमें थोड़ा सा इसको भर दें। अब ये सही है, ये भी सही है। ये क्या हुआ? देखें, ये आपको लाइन से थोड़ा सा ऊपर से शुरू करना है, पर यहाँ लाइन के ऊपर आ गया तो ये तो बहुत नाराज़ हो गया। इसमें तो हमने थोड़ा सा रंग नहीं किया था, इसको भरा नहीं था, तो ये थोड़ा नाराज़ हुआ था। ये देखें कितना इसका मूड ख़राब हो गया है ना। तो हमने इसको ठीक से लिखना है, लाइन से ऊपर से शुरू करना है। अब हो गई ये क। फ की पूरी शक्ल और क की पूरी शक्ल में बहुत फ़र्क होता है। इनके नुक्कात का भी फ़र्क है और इनकी शक्ल का भी फ़र्क है, लेकिन जब ये भी आती होती है तो ये फ की तरह ही बनती है। फ़र्क कहाँ पर आता है? इनके नुक्कात का फ़र्क आता है। इसमें एक नुक्ता है और इसमें एक, दो, बाकी शक्ल वैसे ही है। अगर आपको फ लिखना आ गया, समझें आपको क लिखना आ गया। तो इसी तरह हम चलते जाएंगे और क लिखते जाएंगे। गोल घुमाएं, ऊपर जाएं, नीचे आएं और इसमें इसको थोड़ा सा भर दें और ऊपर दो नुक्कात आ गए। ये आपकी बन गई क कैंची। अब आ गई क, क किताब। क किताब जो है वो बड़ी शक्ल ऐसे होती है। जब ये आधी रह जाएगी, जब इसको हम आधा करेंगे तो ये बनेगी। अब ब लिखना आता है ना सबको, ब का डंडा थोड़ा सा ऊंचा हो जाएगा तो ये बन जाएगी क और यहाँ पर आ जाएगा एक डंडा। डंडा थोड़ा सा तिरछा बनाना है, ऐसे सीधा नहीं बनाना, ऊपर को तिरछा बनाना है। तो ये हो गई क। ऐसे ही चलते जाएं, इसको ऐसे लिखें, ब की आधी शक्ल लेकिन डंडा थोड़ा लंबा और ऊपर एक और डंडा। ये आपकी हो गई क। अब आते हैं ग की तरफ। क और ग में फ़र्क है सिर्फ एक और डंडे का। क में एक डंडा होता है, ग में दो डंडे होते हैं। फ में एक नुक्ता होता है, क में दो नुक्कात होते हैं। तो ऐसे ही अब अगर आपको फ लिखनी आ गई थी, समझें क। अब क लिखनी आ गई, समझें क लिखनी आ गई। तो आप इसी तरह लिखेंगे। पहले आपने ब की आधी शक्ल बनानी है थोड़ी सी लंबी लाइन के साथ, और फिर एक डंडा, फिर दूसरा डंडा, और इसी तरह आप आगे आते जाएंगे। इसी तरह चलते जाएं और इसको पूरा कर लें, ठीक है। ये देखें, ऐसे इसका जो डंडा आएगा ये मैं आपको अब लगा कर बताती हूँ। आपने ऐसे तिरछा बनाना है, तिरछा बनाएंगे, ये भी तिरछा बनाएंगे, ऐसे करके सीधा डंडा नहीं लगाना। कि अगर आप दो बड़े बड़े सीधे लगा दें, ऐसे नहीं लिखनी, आपने ऐसे आना है, ऐसे और तिरछा डंडा इस तरह से बनाना। आगे समझ चले। उम्मीद है आपको आज का सबक पसंद आया होगा। इसको लिख कर देखें और सीखें। फिर हम कल मिलेंगे एक नए सबक के साथ। अल्लाह हाफिज़।